नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। इस भीषण गर्मी में जहां आम जनमानस एसी और कूलर के बीच में अपना समय बिता रहे हैं, साथ ही अन्य अपने जीविकोपार्जन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खाकी भी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने में पीछे नहीं है। इस भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक से लगातार पुलिसकर्मियों के मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं और उसकी मुख्य वजह बन रही है बिना रेस्ट किए गए लगातार ड्यूटी, जिसको देखते हुए कानपुर ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ग्लूकोज छाता सहित अन्य सुरक्षा किट उपलब्ध कराई गई। साथ ही जिस समय गर्मी और धूप चरम पर हो तो छांव में रहकर ड्यूटी करने के लिए भी कहा गया है। एसीपी ट्रैफिक सृष्टि सिंह लगातार ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से मिलकर उनसे हालचाल और उन्हें किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, इस विषय में भी जानकारी लेती रहती हैं। एसीपी ट्रैफिक सृष्टि सिंह ने बताया कि बढ़ते हीट स्ट्रोक के मामलों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को इससे बचाव के लिए सभी प्रकार की चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं और अगर किसी को भी थोड़ी सी समस्या हो रही हो तो अपने अधिकारी को बताकर छुट्टी ले सकता है। वहीं इस पूरी खबर के सापेक्ष हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा से क्या बातचीत की गई वो भी आपको दिखाते हैं। जिस तरह भीषण गर्मी में ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपना काम कर रहे हैं उसके बाद समीक्षा के लिए एसीपी सृष्टि सिंह जी, मैम किस तरीके से ट्रैफिक पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, भीषण गर्मी का माहौल है, क्या व्यवस्थाएं ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए की जाएगी? देखिए, आप जानते ही हैं जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसका ज़्यादातर काम धूप में और चौराहों पर होता है। इसी के लिए उनको राहत दिलाने के लिए हमारी जो टीपी लाइन है उसमें ORS प्लस छाते और जो भी इसेंशियल किट्स हैं वो रखी हैं, जिनको समय समय पर सभी को प्रोवाइड कराया जाता है और उनको हाइड्रेटेड रहने के लिए भी बताया जाता है। तो देखा गया है कि कई बार ये हीट स्ट्रोक से डेथ भी हो रही है, तो इनके लिए क्या कुछ सोचा गया है ट्रैफिक पुलिस कर्मी? देखिए, जैसे जो पीक आवर्स होते हैं वो मॉर्निंग में होते हैं और कई बार रात में होते हैं, कभी दिन में भी होता है, तो सभी को ये बताया जाता है कि जब पीक आवर्स ना हो, आप अन्य तरीका धूप में ना खड़े हों, आप आराम से बैठ सकते हैं, तब कोई ज़रूरत नहीं है कि आप धूप में खड़े रहें। और समय समय पर ये बताया जाता है कि अगर आपको लगता है कि लग रहा है कि अच्छा फील नहीं हो रहा है तो आप बैठ जाइए, जो भी आपके TI हैं या TSI साथ में हैं उनको बताइए और मेडिकल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। लगातार ट्रैफिक पुलिस कर्मी हम देखते हैं कि धूप में खड़े रहते हैं 6-6 घंटे 8-8 घंटे, तो क्या इनके लिए दोपहर का कोई आवास के लिए छुट्टी के लिए कुछ कहा गया? देखिए, छुट्टी का ये जब भी ज़रूरत होती है, छुट्टी इन लोगों के द्वारा अप्लाई जब की जाती है, हमारे द्वारा छुट्टी इनको हमेशा दी जाती है, छुट्टी कभी नहीं रोकी जाती है, जब ज़रूरत जिसको होती है आराम से लोग छुट्टी जाते हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे ACP ट्रैफिक, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की जितनी व्यवस्थाएं करनी चाहिए उतनी पुलिसकर्मियों के लिए की जा रही हैं और अगर कोई पुलिसकर्मी बीमार होता है तो उसके लिए भी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। कानपुर से RTN न्यूज़ के लिए शुभम मिश्रा जी।